हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। चाहता हूं जिस दिन के लोगों मैं सबसे पहले आज आपके सामने जो पख्तूनख्वा की पुलिस ने एक कत्लेआम बचाई पिछले जुमे को, चिश्तिया के लोगों में ही आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम इस मुल्क की पुलिस को मेरिट पे ले आए, उसमें सियासी मुदाखलत खत्म कर दे, मेरिट के ऊपर आईजी को लेके आए, इसलिए नहीं कि आईजी इमरान खान का दोस्त है या इमरान खान को पसंद है, इसलिए कि वो आईजी सबसे बेहतरीन पुलिस ऑफिसर है। सारी पुलिस में सिलेक्शन एनटीएस पे हो, इमरान खान के कहने पे ना हो, मेरिट के ऊपर हो, सारी तबादलियां और प्रमोशंस मेरिट पे हो। पख्तूनख्वा की पुलिस ने साबित किया कि अगर आप पुलिस में मेरिट ले आए और सियासी मुदाखलत खत्म कर दें तो वो दुनिया की पुलिस का मुकाबला कर सकती है पाकिस्तान की पुलिस। अगर वो पुलिस 5 मिनट के अंदर पुलिस के कमांडोज वहां ना पहुंचते तो वहां खुदा ना खास्ता वही कत्लेआम होनी थी जो आज से 3 साल पहले पेशावर के स्कूल में हुई। तो मैं आज आपके सामने इसलिए बात लेके आ रहा हूं कि पंजाब और सिंध में आम लोगों का सबसे बड़ा मसला, आम लोगों का मसला पुलिस का थाना है। जो जालिम हुक्मरान हैं थाने को इस्तेमाल करते हैं मुखालफीन के ऊपर जुल्म करना, थानों से और पुलिस से गलत काम करवाते। जब खुद हुकूमत पुलिस से गलत काम करवाए वो फिर पुलिस की खिदमत नहीं, पुलिस अवाम की खिदमत नहीं करती, वो अवाम उस पर इत्मीनान नहीं करता और वो पुलिस अवाम की दुश्मन बन जाती है, अवाम करते हैं उसे। पुलिस थाना एक ऐसा जगह बन जाती है जिधर जुल्म होता है, जिधर पैसे चलते हैं, जिधर कमजोर जो मर्जी हो जाए उसको इंसाफ नहीं मिलता और ताकतवर हर किस्म का जुल्म करे और पुलिस उसे पकड़ती नहीं है। इसलिए मुझे फखर है कि आज पख्तूनख्वा की पुलिस सारे पाकिस्तान के लिए मिसाल बन गई। एक ऐसी पुलिस फोर्स बनी जिसने पख्तूनख्वा के लोगों को तहफ्फुज़ दिया। आज पख्तूनख्वा में पुलिस की इज्जत है। आज कोई एक मुझे बता दे सियासी मुखालिफ जिसके ऊपर झूठी FIR कटवाई हो। पुलिस कानून के मुताबिक चलती है, उसको गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पंजाब में मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं। मेरी सीनियर क्यादत जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, इनके ऊपर पर्चे किए हुए हैं, झूठी FIR काटी हुई। सिंध के अंदर
तरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर पर्चे किए हुए हैं झूठे, तो खुद हुकूमत पुलिस का गलत इस्तेमाल करके, जब हुकूमत पुलिस का गलत इस्तेमाल करती है, पुलिस अवाम की रखवाली नहीं कर सकती। तो मैं इंशाल्लाह मैं आज चिश्तिया के लोगों आपके सामने कहता हूं कि अल्लाह ने इंशाल्लाह हुकूमत दी हमें, मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं जिस तरह हमने पख्तूनख्वा की पुलिस ठीक की उस तरह आपको पंजाब की पुलिस ठीक करके दिखाएंगे। शोर मचा हुआ है पुलिस को, जो हम जब पंजाब की पुलिस की में तब्दीली लेके आएंगे तो चिश्तिया के लोगों इनकी वर्दियां नहीं बदलेंगे, इनको डाकिए के कपड़े नहीं पहना देंगे, इनकी सलाद करेंगे, मेरिट लेके आएंगे, सियासी मुदाखलत पुलिस में खत्म करेंगे, रायवंड से सारे एसएचओ की तबादला रायवंड से होता है, वो छुटकू हमजा शरीफ वो बैठ के पुलिस के तबादले कर रहा है, नहीं तो मरियम बीबी भी कर देती है। शहबाज शरीफ के सामने आईजी पुलिस ऐसे बैठता है जैसे उसका जाती नौकर होता है। तो इंशाल्लाह सिंध की भी पुलिस ठीक करके दिखाएंगे, पंजाब की भी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कभी आपको किसी सियासतदान के पीछे, किसी एमएलए के पीछे, किसी वजीर के पीछे दरखास्तें लेके फिरना नहीं पड़ेगा कि जनाब हमें थाने से बचा दो, थाने से छुड़ा दो। मैं जब मैं जब मियांवाली में एमएनए था, जब मैं चक्कर लगाता था अपने हलके का, जब मैं वापस आता था हलके का चक्कर लगा के, दरखास्तों की किताब मेरे हाथ में होती थी और सारी दरखास्तें जी गलत एफआईआर काट दी, थाने में पकड़ लिया, गलत पकड़ लिया, जुल्म किया थाने पे। आज अब तक 4 साल हो गए, आज तक मुझे पख्तूनख्वा में किसी ने एक दरखास्त नहीं दी कि जी पुलिस ने कोई गलत काम किया, कोई गलत पर्चा काटा। और यह है तब्दीली। नवाज शरीफ गया उधर, नवाज शरीफ ने एबटाबाद में जलसा किया और कहता, सुने कहता कि मुझे नया पख्तूनख्वा नहीं नजर आ रहा। नवाज शरीफ, नया पख्तूनख्वा तो यह है कि आप एबटाबाद में खड़े होके बुलेट प्रूफ स्क्रीन के बगैर तकरीर कर रहे हो, ये है नया पख्तूनख्वा। पुराने पख्तूनख्वा में तो आपकी जरूरत नहीं थी पख्तूनख्वा जाने की, तकरीर तो दूर की बात है। अभी भी पंजाब में जब नवाज शरीफ अपने क्यों निकाला दौरे पे निकला, जगह जगह क्यों निकाला, तो उस दौरे पे जब निकला तो मैं देख रहा था कि आपने देखा होगा, जब उसने कहा क्यों निकाला तो सामने बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगी हुई थी। तो पंजाब में तो आपको डर लगता है तकरीर करते बुलेट प्रूफ स्क्रीन के बगैर, तो पख्तूनख्वा में तो आपको जरूरत नहीं पड़ी। ये है तब्दीली नवाज शरीफ। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। अच्छा सुने आप दूसरी चीज और ये सुने, अभी खत्म नबूवत की
एक बहुत बड़ा धरना दिया गया फैजाबाद में। मैं क्योंकि लोगों के जज्बात होते हैं खत्म नबूवत के साथ, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता कि कोई नून लीग के वजीरों का या किसी और अहदेदार की जिंदगी खतरे में हो, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि फैजाबाद के धरने के बाद मैंने देखा कि जिस जोश और खरोश से नून लीग वाले ने ये जुमे को मिलाद बनाया, इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। खास तौर पे वो आबिद शेर अली ने जो हरी पगड़ी पहनी हुई थी, चले कम से कम कोई तो इनको एहसास हुआ, मिलाद की कदर हुई कि फैजाबाद के जलसे के बाद। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि क्या जरूरत पड़ी थी ये करने की, क्या कौन सा प्रेशर था, किसको खुश कर रहे थे आप? और ये मैं असल पॉइंट पे आना चाहता हूं कि नवाज शरीफ, मैं आज दावा करता हूं आप अपने पैसे बचाने के लिए जो आपने 300 अरब रुपया इस मुल्क से चोरी करके बैरून मुल्क लेके गए हो, ये मेरा दावा है कि उस पैसे को बचाने के लिए आप हर किस्म की वो काम करने के लिए तैयार होंगे कि आपका पैसा बच जाए। आप हर किस्म की कॉम्प्रोमाइज, हर किसी से मुफाहमत करने के लिए तैयार होंगे। एक मकसद होगा आपका कि 30,000 करोड़ रुपया जो इस कौम का आपने चोरी करके बाहर लेके गए, आपकी सारी कोशिश होगी कि किसी तरह वो पैसा बच जाए। मैं दावा करता हूं कि आप नरेंद्र मोदी से भी दोस्ती करेंगे, आप हर किस्म की बैरून मुल्क उनको हर किस्म की पाकिस्तान की कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे अपना पैसा बचाने के लिए। मैं यह दावा करता हूं कि आप इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक को, दो ऐसे गद्दार थे इस्लाम की तारीख में, हिंदुस्तान की इस्लाम की तारीख में दो ऐसे गद्दार थे जिन्होंने अपने जाती मफादात के लिए अपनी कौम को गुलाम बनाया, सिराज-उद-दौला को मीर जाफर ने गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ मिलके उसकी रियासत गिरवाई और अंग्रेजों की गुलामी में बंगाल आया सिर्फ इसलिए अपने जाती मफादात के लिए, और मीर सादिक ने टीपू सुल्तान से गद्दारी की अपनी जात की खातिर, और नवाज शरीफ आज अपनी जात की खातिर, अपने पैसे की खातिर, जो पैसा इस कौम का चोरी किया आपने उसकी खातिर आप पाकिस्तान की अदलिया को तबाह करने के लिए तैयार हैं, आप पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हर किस्म की साजिश करने के लिए तैयार हैं, आप हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो पाकिस्तान को नुकसान देगा। लेकिन आपका किसी तरह 300 अरब रुपया, 30,000 करोड़ रुपया जो इस कौम का चोरी करके बाहर लेके गए, किसी तरह वो बचा है। नवाज शरीफ, ये पैसा नहीं बचेगा, ये हम पाकिस्तान में वापस लेके आएंगे, इंशाल्लाह वापस लेके आएंगे। एहतबाद की तकरीर में नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है,
वो वाकई एक नजरिए का नाम है। नजरिया क्या है? नजरिया, नजरिया करप्शन। उस नजरिए के साथ आज जो भी नवाज शरीफ आपके साथ लोग मिल रहे हैं उनका भी एक ही नजरिया है, करप्शन। आपके साथ इसलिए खड़े हैं कि उनको उनको फिक्र है कि अगर आपका पैसा पकड़ा गया, आपको सजा हो गई, तो अगली बारी उनकी है, इसलिए आज आपके साथ खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, सुने कि दुबई में एक उसने जाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इकामा लिया हुआ है। सोचे कभी मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर, उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर, वाटर एंड पावर का मिनिस्टर, कभी सोचे दुनिया में कोई मिसाल है कि वो दूसरे मुल्क में किसी कंपनी से तनख्वाह ले रहा है 16 लाख रुपया महीना, और उस कॉन्ट्रैक्ट में इसने हफ्ते में 5 दिन काम करना है और 8 घंटे काम करना है, और है पाकिस्तान का वजीर। सोचें, ये कभी सुना है? और उस कंपनी के लिए क्या कर रहा है? लीगल एडवाइजर है। ख्वाजा आसिफ, तुम बैंक के क्लार्क थे, लीगल एडवाइस कैसे दे रहे हो? ये तरीका है पैसे बनाने का, मनी लॉन्ड्रिंग का। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है नौजवानों? मनी लॉन्ड्रिंग होती है, याद रखो, डबल चोरी, डबल नुकसान मुल्क को। पहले पैसा आपका चोरी किया और फिर उस पैसे को बाहर भेजा, दुगना नुकसान कराया, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इकामा मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। और मैं नैब के जो नए चेयरमैन बने हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब, आपसे इस सारे मजबे के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो एहसन इकबाल है उसका भी इकामे को इन्वेस्टिगेट करें। उसका सऊदी अरेबिया में इकामा है, जिस तरह एहसन इकबाल का, जिस तरह नवाज शरीफ का। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेट करें, सारी कौम ने आपसे उम्मीदें लगाई हुई है। हुदैबा पेपर मिल को खोलें, जिसमें सारे शरीफ खानदान, सारे टप्पर का नाम है। क्या था? गली गली में शोर है, नहीं, फिर से, गली गली में शोर है, सारा टप्पर चोर है। गली गली में शोर है, ए सारा टप्पर चोर है। मुखिया तेरा शो नवाज, शो नवाज, शो नवाज, तू बंदा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसे आम से खिताब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला का इल्जाम लेकर जो है वो पूरे मुल्क के दौरे करते फिर रहे हैं और जलसे कर रहे हैं। उनका कहना था कि जितना पैसा उनका बाहर मौजूद है वो सब बाहर लेकर आएंगे। अब यहां पर शामिल करेंगे हेडलाइंस।